أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور

बचाते रहना सबक मेरे बेटे जो भी मुसीबतें तुझे इन रास्तों में आये उस पे सबर करना और सबर से काम लेना और औला माँ जो है इसके मफह में एक बात कहते हैं कि जो आदमी अच्छे काम की नसीहत करता है और बुरे कामों से बचाता है उस पर मुसीबतों का बोझ बहुत ज्यादा पड़ जाता है मिन हमें और आप सबको जो देखने वाले हजरात है इनही लोगों की फेहरिस्त में शामिल करने की तोफीक दे और सारी बात है की हिदायत भी उसी को ही मिलती है जो एक कदम हिदायत की तरफ बढ़ाता है अल्लाह ताला तला कदम उसकी तरफ बढ़ाते हैं आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि इस दुनिया में कितने लाखों अरबों करोड़ों लोग आज तक पैदा हुए और इस दुनिया से चले गए किसी को किसी का नाम याद नहीं इवन हमें अपने अबाओ अजदाद का नाम याद नहीं कि वो कौन थे कहाँ थे कहाँ से आए थे कहाँ चल बसे जो लोग अल्लाह रब्ल की खातिर काम करके चले जाते हैं उनका दुनिया में भी नाम जिंदा रहता है और आख़रत में भी नाम जिंदा रहता है जब आका वहाज अहलेत उनकी खदमत में जब वो हाजिर होगा कितनी खुशी उसको महसूस होगी सीना चौड़ा करके फखर से वो सबके पास बैठेगा और बताएगा कि इस दुनिया के जो चंद लम्हात मैंने गुजारे थे एक इम्तिहान में मैंने कोशिश की है कि मैं आप ही का जिकर करूँ और आप ही के लिए आवाज़ बुलंद करूँ और हक के लिए ही खड़ा रहू इस आजमाइश के इस दौर में साठ सत्तर बीस तीस चालीस पचास अस्सी नब्बे सौ एक सौ बीस साल की जिंदगी में या रसूल मैं आपके लिए जिया आपके लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कैसे हैं आप सब खैरियत से हैं माशाल्लाह तो वेलकम है आपका एक नए व्लॉग में आज का व्लॉग मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और मैं ये अचीवमेंट आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो एक हज़ार सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद जो है मैं बना रहा हूँ और जो चीज़ सोची थी उसको अचीव किया ये बहुत बड़ी बात होती है कि ज़ीरो सब्सक्राइबर से एक हज़ार सब्सक्राइबर अचीव करना मुझे नहीं पता कि मैंने क्या वीडियो बनाई किस तरह बनाई क्या किया अगर मैं पीछे देखूं तो लगता है कि ऐसे ही एक झटके में वक़्त गुजर गया लेकिन जो अचीवमेंट मेरे हाथ आई उस अचीवमेंट को देखकर एक दिल को बड़ी ख़ुशी मिलती है दुनिया की परेशानियां मसाइल अभी भी आज का जो दिन है मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ अचीव किया हो लेकिन <laughs> कुछ अचीव कुछ पेपर की शक्ल में कुछ नंबर की शक्ल में जब कुछ नंबर्स की शक्ल में जब सामने आती है तो वाकई कुछ महसूस होता है कि हाँ कुछ वाकई कुछ अचीव किया है तो ये बड़ी एक खुशी की बात है अल्लाह इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है क्योंकि मुसीबतों परेशानियों और दुनिया की तरह तरह की रंगीनियों में जब बंदा खो जाता है तो उसको पता नहीं चलता है कि मैं क्या करूं कहां जाऊं कैसे करूं कहां से शुरू करूं कहां एंड करूं तो जैसे तैसे करके मैंने क्या व्यूज़ आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे ज़ीरो दस बीस तीस पचास सौ दो सौ जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं मैं अपलोडिंग करता रहा करता रहा उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने एक एक सब्सक्राइबर करके यहाँ तक इस मकाम तक पहुंचाया जब बंदा अपनी इनपुट देता है तो लोग उसे आउटपुट देते हैं जब आप एक बड़े लेवल पे होते हो तो आपको मुबारकबाद भी बड़े लेवल पे मिलती है और आपको तनकीदे भी बड़े लेवल पे मिलती है जब आपने अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं करना किसी मकाम पे किसी मसंद पे किसी प्लेस पे किसी प्लेटफॉर्म पे तो आपको मुबारकबाद और आप आपको तन की दाद जो है वो आप एक छोटे से सर्कल पे ही मिलेंगी तो अगर इसका एक दूसरा पहलू देखा जाए ये एक छोटी सी चीज है और इसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है इस जिम्मेदारी को निभाना कैसे है जो लोग ऐसे करके एक चीज को देख रहे हैं वो चीज चलती कैसे है वो चीज आगे जाके फायदा कैसे साबित होती है ये एक जिम्मेदारी भी है बड़े लोगों ने मशवरा दिया कि चैनल को मोनेटाइजेशन करवा लें पैसा लगा लें पैसा लगा लें चैनल मोनेटाइज मोनेटाइज हो जाएगा मोनेटाइज हो जाएगा उसके बाद अपनी मेहनत करते रहना मैंने उनको जवाब दिया नहीं अगर तो चैनल मोनेटाइज होना है तो ऐसे ही होगा नहीं तो क्योंकि देखें ये एक आदत है ये एक आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती है ये चीज सारी बात है मैंने ये जो चीजें अपलोड की वो मेरी जिंदगी का हिस्सा थी तो मैंने अपलोड की ना तो अगर वो चीजें मेरी जिंदगी का हिस्सा ना होती मैं अपलोड ना करता तो आज एक हजार सब्सक्राइबर तक ना पहुंचता तो मि मिसाल के तौर तो पर अगर उनकी बात मान लेते तो अगर पैसे दे के पैसे इतने ज्यादा नहीं पच्चीस तीस पचास चलो एक लाख रुपया लगा के भी अगर मैं अपना चैनल मोनिटाइजेश मोनिटाइज लेता मोनिटाइज करवाने के बाद जो है मैं कुछ अपलोड ही ना करता मैं कुछ कर ही ना पाता मैं वो वीडियो अपलोड करता ही ना मुझे पता ही ना होता की मैंने करना क्या है मुझे अपनी किस्म का ना पता होता की मैंने जाना किस रास्ते है मैंने कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना है कौन सी वीडियो बनानी है किस रास्ते पे जाना है कौन सी चीज को आगे लेकर जाना है आज के दिन मैंने करना क्या है आपको क्या चीज बतानी है अगर मुझे इन सारी चीजों की आदत ना होती तो मैं मोनेटाइजेशन के बाद भी जीरो था सो वीडियो में से मैंने कितनी वीडियोस तो डिलीट की हैं मुझे अपनी एक किस्म का पता चल गया है हम जो नौजवान हैं मैं तो अभी तक यही नहीं पता चलता कि हमने जाना किस तरफ है हम उलझे हुए हैं इधर उधर की आस पास की रंगीनियों में हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित होती है जब हमें होश आती है तो वक्त गुजर चुका होता है मैं यहाँ पर यह बात बताता हूँ कि जब मैं इस मुल्क में आया था ना तो मैंने चीज़ स्पेसिफाई की कि एक तो कुरान की नेमत कुरान की दौलत कुरान फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगी तो दूसरी चीज़ जो स्पेसिफाई की का तालीम जो है मेरी जो इंटरनेशनल लॉ की है वो जारी रहेगी तीसरी चीज़ स्पेसिफाई की जो काम मैंने करना है ना वो मैंने अपनी फील्ड के मुतल करना है कुरान की मैंने ट्यूशन शुरू की तो कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि देखें ये काम तो ठीक है लेकिन एट दी एंड ये आपकी फीसिस आपका ख़र्चा और आपके आगे मामलों पूरे नहीं करेगा आप सिक्योरिटी का, का काम करें जिससे आप जो है वो कुछ इतना कमा लें कि एट दी एंड आपके पास कुछ अमाउंट हो वो आपका सरकट चला दे हाँ, बात तो ठीक थी उनकी जहन में भी मेरे जहन में भी बात आई मैं कुछ फ़ैसला भी कर चुका था कि मैं जो ट्यूशन्स को आगे पीछे कर दूँगा या ख़त्म कर दूंगा फिर मुझे ख़याल आया उन बच्चों का जिनको मैं कुरान पाक पढ़ाता था फिर मैंने दुआ की अल्लाह ताला से या मैं ये काम नहीं छोड़ूँगा तेरे कुरान को अगर मैंने तरजीह पे रखा है तो मैं इसको करूँगा मैं इसको हमेशा तरजीह पे रखूँगा मामला जो हैं वो तूने चलाने हैं कैसे चलाने हैं कहाँ से चलाने हैं मुझे नहीं पता बहरहाल मैंने ये चीज़ नहीं छोड़ दी मुश्किल जितनी भी आए कोई बात नहीं आएंगी तो हमेशा तू नहीं हल की हैं तू ही हल करेगा ज़िंदगी के पच्चीस साल मुझे नहीं पता मेरे कैसे गुजरे हैं और आगे पच्चीस साल मुझे नहीं पता कैसे गुजरेंगे लेकिन मुझे ये पता है मैं जो आज ये काम कर रहा हूँ ना वो तेरी रज़ा के लिए कर रहा हूँ और जो काम तेरी रजा के लिए होगा उसमें आसानी इन नमा उसरी उसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है मुश्किल के बाद आसानी होगी तो फिर मैंने ये चीज़ों को स्पेसिफाई किया और अलहमदिल्ला आज मैं उसी रूट पे हूँ मेरी जो ज़िंदगी के जो अभी 2023 के पहले जो छः सात माह जो है वह मुख्तलिफ कामों में गुजरे लेकिन चीज़ों को किया छोड़ा किया छोड़ा किया छोड़ा फिर आहिस्ता 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 चीज़ें एक रूट पे चल गई तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत सारी परेशानियां मुश्किलात साथ हैं लेकिन ये अब जिंदगी का हिस्सा है इनको लेकर चलना है जिंदगी के साथ साथ हो जाएंगी इंशाल्लाह सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक पूरी करने वाला है निज़ाम अल्लाह पाक पूरी कर देगा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है आज जिस मकाम पर भी खड़े हैं तो ये था आज का व्लॉग व्लॉग को इसी के साथ ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में आप सब की समातों का बहुत शुक्रिया जिन हजरात ने एक हज़ार सब्सक्राइबर किया मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका बहुत शुक्रिया अल्लाह पाक आपको दीन में और दुनिया में दोनों में एक साथ तरक्की दे अगर आपकी दुनिया आगे बढ़ रही है और आप दीन को भी साथ साथ लेकर आगे लेकर चढ़ें अगर आप दुनिया में तरक्की करना चाह रहे हैं एक चीज़ को अचीव करना चाह रहे हैं तो दीन में भी आप तरक्की आपको फ़िक्र रहे कि मेरा दीन पीछे ना रह जाए मैं उसको साथ साथ दुनिया को साथ साथ लेकर ऐसे चलूँ साथ, साथ ताकि आप जब एक मकाम पर पहुँचें तो कितना ही खूबसूरत एक नमूना एक मॉडल आप तैयार हों तो इन अल्लाह पाक आपको भी तोफीक दे अल्लाह पाक मुझे भी तोफीक दे तो लोग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा व आखिर अनिलहमदिल्लाबीन अल्लाह हाफिज़